रतलाम में पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध शराब की बिक्री व परिवहन अभियान की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ताल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो अलग अलग मामलों में 74 पेटी शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख से अधिक बताई जा रही है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अवैध शराब के मामले में आबकारी विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए, मगर देखने में आया है कि कोविड 19 के दौरान नामली में हुए जहरीली शराब की मौतों के बाद अब तक लगातार अवैध शराब के परिवहन और गाँव में चल रहे अवैध शराब बनाने के मामले सामने आए हैं, मगर कुछ ही पर कार्रवाई कर आबकारी विभाग सोया हुआ है, जिसे आबकारी और शराब माफिया की मिली भगत नजर आ रही है। ये ताल क्षेत्र में मुखबिर सूचना पर वहाँ ताल थाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। उसमें 2 अलग अलग प्रकरणों में कुल 74 पेटी शराब पकड़ी है, और इसमें राजस्थान लेबलिंग कुछ शराब है और कुछ शराब पे लेबल नहीं है, जिसमें अभी एक आरोपी अरेस्ट है, एक आरोपी अभी फरार है। उनसे कहाँ से लाए हैं, कहाँ बेच रहे थे या सारी चीजें कर रहे थे, उसके संबंध में विवेचना कर रहा है। कुल कितने रुपए की लागत हो सकती है? लागत ये अलग अलग है, लगभग ये 2 लाख से ऊपर की शराब है।